ये दिख रहा है जो मैं दिखाया है स्क्रीन, है ना? दिख रहा है वो सबको? यस ठीक, तो देखो सबसे पहले हम शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, हल्का फुल्का जितना हम कर पाते हैं ना। ये तो मैंने तुम्हें शुरुआत के क्वेश्चन से वैसे बता दिए थे, राइट? सर, आओ फिर भी देख लेते हैं, शुरू से करते हैं। पहले क्वेश्चन में तो बताओ सबसे पहले क्या लिखा होगा, आंसर तुम्हारा क्या आएगा? बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन दिस, कितनी है? बता दो कितनी है। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस हाँ तो फिर बोलो भाई, क्या बात, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें, क्या लगता है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन 0.007 मीटर स्क्वायर? सर, वन, वन पीछे वाली जीरोस को काउंट नहीं करते थे, तो इसके आंसर आएगा वन। घर से जाकर कल आते ही सबसे पहले पूछूंगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड उसके क्या रूल्स। रूल्स किसमें सर? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। लिख लो इसको होमवर्क के तौर पे। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ या ना बोलो। यस कोई नहीं है क्लास में? अक्षिता, कनु, पल्लवी, निहारिका, सर, हाँ तो साथ साथ लिखो यही टॉपिक एक बार। फर्स्ट पहले कम से कम इस टॉपिक्स को रिवाइज अच्छे से करो, और तो करो ही करो इनको सबसे अच्छे से। आज का होमवर्क समझ में आ रहा है सबको साथ साथ? अब इसका तो आंसर मिल गया, लेकिन ऐसे ऐसे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। दो डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो दोनों डिजिट्स को, मान लो मैंने 4.560 को और 3.86 को ऐड किया, तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? तो ये तुम सबको आज देख के आना अच्छे से। ये क्वेश्चन तो चलो हमने कर लिया, क्योंकि पीछे वाली जीरो काउंट नहीं होती, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें वन होंगी। आओ सर सेकंड क्वेश्चन पर आओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। मोमेंटम सर, मोमेंटम मोमेंटम, देखो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो है वो स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी है? ये स्केलर बोल देते हो इसको, लेकिन ये है कैसी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर। टेम्परेचर भी स्केलर, तो एक ही चीज रह गई, वो क्या है? मोमेंटम सर, मोमेंटम, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी सो एम वी इज ऑल्सो, और मोमेंटम में एम इंटू वी होता है, तो वो भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पर आओ, क्या आना चाहिए इसका आंसर? एक बैट्समैन ने बच्चे बॉल को हिट किया स्ट्रेट डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधा। उसके बाद क्या हुआ? ये तो बॉल फेंकी और बैट्समैन ने इसको हिट किया उसी डायरेक्शन में, वापिस उसी बॉलर की डायरेक्शन में हिट कर दिया, और इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। यानी इनिशियल स्पीड किसके इक्वल है? स्पीड के बट उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। चेंज ऑब्वियस सी बात है, जब बॉल बैट्समैन के पास जाएगी तो बैट्समैन उसको जब मारेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बॉल, है ना? बैक, यस तो बैक, हिट्स बैक लिखा हुआ है ना, हिट्स बैक, तो स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, ऐसे बोल दो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो तुमसे पूछा है अगर इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो कितनी है? 12 मीटर पर जीरो सेकेंड। तुमसे और मास मास दे रखा है बॉल का, वो कितना गिवन है? 5 पॉइंट केजी। तो फाइव के जी बताओ इंपल्स कितना लगा, बताओ कैसे निकालोगे?
उस दिन भी बताया था मैंने। देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन, ऐसे बुत बनकर बैठे रहोगे ना जैसे पुतला बैठता है, तो कुछ नहीं होने वाला। खुद से भी बोलने की कोशिश करो थोड़ा सा। सर फोर्स निकालेंगे। हाँ फोर्स निकालेंगे। कैसे फोर्स क्यों निकालें बताओ, फोर्स कैसे निकालेंगे? इंपल्स, इंपल्स निकालना ना, तो इंपल्स का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, इंपल्स का नहीं होता। इंपल्स का फॉर्मूला होता है सिर्फ चेंज इन मोमेंट, क्योंकि फोर्स जैसे लिखा था हमने एफ इज इक्वल टू न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, डीपी बाय डीटी। अगर एफ और डीटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये डीपी है, और ये एफ डीटी क्या बनता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, स्मॉल डिस्टेंस, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम का चेंज, इसी को क्या बोलते हैं? इंपल्स। इंपल्स, और ये किसके इक्वल है? डीपी। डीपी बोले तो क्या है सर यहाँ पर? चेंज इन मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चेंज इन मोमेंटम, तो इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अब इंपल्स अपने को निकालना है, यानी ये पूरी की जगह तो इंपल्स निकल रख दो, तो ये तो अपने को निकालना है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास तो कॉमन ले लो। यस सर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर? 12 सर, नहीं 0 माइनस 12, क्योंकि इनिशियल 12 है तो फाइनल कैसी होगी? माइनस 12। माइनस ऑफ इनिशियल कैसी है? इनिशियल भी वैसी है 12। इनिशियल सिर्फ 12 है, ये माइनस तो पहले ही था, मैंने इनिशियल की जगह सिर्फ 12 पुट किया है और फाइनल की जगह क्या पुट किया है? माइनस। तो देखो क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मास, मास की वैल्यू भी पुट कर दो कितनी है? 0.5, यानी 5/10 इनटू में 12, और 12 कितना होता है? 24, साथ में माइनस भी लगा देना, तो बताओ कितना हो गया? 12 आ गया, ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, दिख रहा है किसी को 12? नो सर। नो सर। क्या करें फिर इसमें, ट्राई करो, बताओ 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 बताओ, फटाफट फटाफट। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बोला था सर, इनिशियल भी निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, आप कैसे करोगे? फिर एक चीज बताएंगे, क्या लगता है तुम लोगों को? जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। सर हमने फर्स्ट वाला माइनस 12 क्यों लिया फाइनल वाला? फाइनल वाला क्योंकि उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो गई थी ना, हिट्स बैक आ गया था। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या करें फिर? अब सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। इंपल्स इनटू टाइम तो निकालना था, फाइनल माइनस इनिशियल भी कर दिया आप लोगों ने, अब चेंज इन मोमेंटम निकाला, तो मास लिखा 0.5 केजी यानी 5/10, और फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड कर दी सर। करो ट्राई फटाफट। समझ नहीं आई मुझे, क्या बोल रहे हो? क्या करें, थोड़ा सा तो ट्राई करो। मैं एक बारी बंद करके आऊं भाई हमारे यहाँ की, एक सेकंड, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सर से जान जा रहा है। गुड इवनिंग सर।
हाँ सॉरी भाई, करो अब तो बंद हो गई आवाज। कहाँ गई स्क्रीन दोबारा? हाँ अब देखो, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए फिर आंसर? कुछ गलत किया है क्या हमने, बताओ? ऐसा लग रहा है तुम्हें? नो सर, हाँ तो फिर सर, इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम ही होता है सर। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल इनिट मोमेंटम सर, वही आपने इनिट लिखा है सर, फाइनल माइनस इनिशियल। और मास भी लिख दिया सर, 5/10, 5 2s 2 12s, तो आंसर आना चाहिए कितना? 12 ही आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन के ऑप्शंस में मिसप्रिंट है या क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ठीक करना सब। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, वैसे इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपका आंसर भी मैच हो जाए। अगर आपका जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर आया था ये, उसमें भी क्या ये 0.5 दे रखा था बच्चे आपको? सर 0.15। बस तो इसको सही करो फिर। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन इनमें साइट पे गलत लिखा हुआ है। 0.5 की जगह क्या लिखा हुआ था बच्चे? 0.15। तो बस बाकी सब कुछ सेम रखो। 5/10 की जगह क्या लिखोगे? 0.15, यानी 15/100। यही होता है ना 0.15? बोलो। यस सर। हाँ मल्टीप्लाई बाय जो आया था 24। करो अब सोल्व करो क्या आंसर आना चाहिए। सब कुछ सेम है, हमने कुछ नहीं गलत किया, हमने बिल्कुल सही किया हुआ था बच्चे। कुछ भी क्वेश्चन के अंदर 0.5 की जगह 0.15 आएगा, बस ध्यान रखो। करो इसको तो सोल्व करो। सर 3.6 न्यूटन। आ रहा है क्या सबका 3.6 न्यूटन? देख लो यस देख लो देख लो। फिर भी सर। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो सीधा देख लो। 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 36/100 कितना हो गया? 3.6 न्यूटन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन तभी आएगा, बी ऑप्शन तभी आएगा अगर जो मास गिवन है वो कितना है? 0.15 kg, तो ये ऑप्शन आएगा। अदरवाइज अगर मास 0.5 ही क्वेश्चन में गिवन रहता है, तब आंसर क्या आने वाला है? सिर्फ और सिर्फ, 12। किसी को कोई भी डाउट है या नहीं? हाँ या ना बोलो। नो सर, नो अभी सर। फिर फटाफट इसको प्रूव भी कर देते हैं, क्योंकि एक आगे क्वेश्चन भी आएगा, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वाला, मैंने आपको बताया था, याद है? यस सर। तो अगर किसी की डेरिवेशन आ जाती है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करोगे, तो कैसे लिखोगे? चलो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी में बता देते हैं, अभी आगे चलते हैं। या अभी बता दें, या कर सकते हो खुद प्रूफ? सर कर लेंगे हम। पक्का? कहाँ से स्टार्ट यस करोगे, सर। कहाँ से स्टार्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ सेकंड मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर पूरी स्टेटमेंट लिखना कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद ये लिख देना dp/dt। डीडी ठीक है, तो f.dt ये क्या हो जाता है हमारे पास? इंपल्स, और जो कि किसके इक्वल आता है? डीपी। अगर आप बोल दोगे, अगर अगर ये डेल्टा, अगर क्या बोल सकते, इसको क्या भी लिख सकते हो तुम? Δp/Δt। डेल्टा टी। क्यों? अगर तुम्हारे इक्वेशन में ऐसा मेंशन है बच्चे कि मतलब तुम, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो हमारी वैल्यूज हो, हमारी जो वैल्यूज हो हमेशा, जरूरी नहीं है कि छोटी हो, जो टाइम इंटरवल हो वो बहुत छोटा ना हो। टाइम इंटरवल तो चलो छोटा ही है इसके अंदर, इसी केस में, लेकिन अगर टाइम की वैल्यू बहुत छोटी भी ना हो तो डेल्टा से भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप FDT लिख देंगे तब भी कोई गलत नहीं प्रूव कर सकता आपको। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। इसको क्या हो गया? इरेजर नहीं आ रही साथ। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं अभी। अब आ जाइए। तो ठीक है, इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, आपके ऊपर है सब। F(dt) हमारे पास क्या आ जाता है? इंपल्स, और इंपल्स ही किसके इक्वल होता है बच्चे? चेंज इन चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, और इसी को इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। तो इसको पूरे वर्ड्स में लिखना अच्छे से, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे पे है, चौथे पे है शायद। हाँ तो देखो आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ फोर्थ क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ, तुम ही करके आओगे ये क्वेश्चन।
करके आओगे क्या? क्वेश्चन नंबर फोर्थ यस सर, ट्राई करना यस सर। कब होती है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि सर जब सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, अलग अलग, अपोजिट अपोजिट हो जाए, या इनके बीच का जो एंगल हो जाए वो 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, ट्राई करना। और ये देखो बहुत अच्छे से बता रखा है, वर्क डन बाय विनिंग टीम इन अ टग ऑफ वार, करी दो भी फिर कल जाके भूल जाओ तुम। वर्क डन बाय विनिंग टीम इन अ टग ऑफ वॉर, विनिंग टीम, टग ऑफ वॉर समझते हो सब? यस सर, है ना, एक तरफ से यहाँ से खींच रहे हैं सर रस्सी और एक तरफ से सर यहाँ से खींच रहे हैं रस्सी। अगर मान लो ये लेफ्ट वाली जगह बंदा जीत जाए तो उसके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सब पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको सर? क्योंकि जिस साइड वो फोर्स लगा रहे हैं उसी, मतलब हाँ, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है, सामने वाले बंदे सारे इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं, तो फोर्स भी उन्होंने भी खींचना चाहा था और वो खींच भी रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जो हार रही थी टीम वो क्या चाहती थी? वो अपनी तरफ खींचना चाहते थे लेकिन रस्सी गई कहाँ? सामने वालों की तरफ, तो इसलिए उनके द्वारा जो वर्क डन है, फोर्स तो वो इधर लगा रहे थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेट उधर हुई है, इसलिए उसके द्वारा जो वर्क डन है वो कैसा है? नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी तो आएगा ही आएगा। सी पर आओ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हाइल लिफ्टिंग अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैसा लगता है बताओ सर? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, ऐसा क्यों लग रहा है सर? क्योंकि देखो ना ध्यान से सर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है लेकिन हम जो ब्लॉक है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी, ऊपर जा रहा है ना वो, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रही है लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इसलिए ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या है? नेगेटिव। ऑप्शन बी भी नेगेटिव में आ रहा है, ऑप्शन सी भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर है सबको? यस और नो? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज जी डी, जी डी है सर, तो पहले मैं इसका आंसर लिख दूंगा फटाफट। फोर्थ का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, हाँ अब बताओ, सॉरी अच्छो, इसका बताओ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज जी डी, किसी डेप्थ डी पर जो वैल्यू है वो कितनी है? जी डी, जी डी। तुमको बताना है कितनी हाइट पर अगर बॉडी जाए, एच की वैल्यू बतानी है कि उस हाइट पर भी ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आए? जी डी आए, जी डी। बताओ भाई, अगर ये अर्थ है तो इससे डी डेप्थ पे नीचे जाने से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? जी डी। मैं कहता हूँ कितनी एच हाइट ऊपर भी चला जाऊं तब भी वैल्यू कितनी आए? जी डी, सेम है, तो उस हाइट की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? बताओ बताओ कैसे निकालोगे? दो केस लग रहे हैं ना, एक तो किसकी बात कर रहा है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। हाइट के लिए क्या निकालते हैं सर, फॉर्मूला क्या होता है? जी इंटू जी डैश इज इक्वल टू जी, या तुमको बड़े वाला याद है तो बड़े वाला लिख दो, वैसे तो छोटे वाला भी होना चाहिए, जी अपॉन वन प्लस जी अपॉन प्लस एच अपॉन का होल स्क्वायर। याद आ गया सबको? यस सर, नो? यस सर। और किसी डेप्थ डी पर निकालते थे वो क्या होता था? जी इनटू वन माइनस टू एच, वन माइनस टू एच बाय आर, बोलो। याद नहीं आता तो फिर ड्राइव कर दिया करो ना, चेक करते हैं सर 2h by r था या नहीं था, तो ड्राइव कर दो फटाफट। कैसे करोगे? क्योंकि डेरिवेशन आती भी है और डेरिवेशन मैंने कराई हुई है इसकी। यस सर। क्या करते थे सर, किसी डेप्थ d पर जाते थे तो कैसे करते थे सर? अंदर जाने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे सर?
तो फॉर्मूला, अगर मान लो ये अर्थ है, इसके डेप्थ डी पर चला गया मैं, या एच हाइट पर चला गया, एच डेप्थ पर चला गया मान लो, तो पहले तो इनसाइड का फॉर्मूला लगते थे, वो कितना होता था, जी एम जीएम अपॉन आर आर अपॉन में आर का क्यूब, का होल याद करो, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, जी एम आर अपॉन में आर का क्यूब। अब आर तो वही रहेगा रेडियस ऑफ द अर्थ, जी एम भी वही रहेगा, लेकिन कितनी है नीचे चला गया मैं, अब सेंटर से लेंगे डिस्टेंस, तो सेंटर से एच हाई रेडियस तक का डिस्टेंस होता है आर, लेकिन मैं ऊपर से एच आया हूं तो सेंटर से मैं कितने डिस्टेंस दूर हूं, आर माइनस एच, सच तो आर माइनस एच लिखता था यहां पर, तो फिर मैं यहां पर क्या लेता था, आर स्क्वेयर, आर सॉरी आर का क्यूब था, इधर मैं आर का, आर को कॉमन ले लेता था, तो क्या आता था, वन माइनस एच बाय आर, फिर इस आर क्यूब को लिख देता था आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर, इस आर से इस आर को कट देता था, जी एम बाय आर स्क्वेयर को लिख देता था जी माइनस एच बाय आर, तो टू यहां पर नहीं आ रहा सर, क्लियर है, ये फॉर्मूला था। और किसी को अभी भी डेरिवेशन में कोई दिक्कत है, मैंने वीडियो में पूरे अच्छे से बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर डाउट आता है किसी को तो अभी पूछ ले मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे, लेकिन इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और आ भी सकती है बच्चे, पूरे पूरे चांसेस है कि डेरिवेशन आ जाए। अब वो कहता है ये तो सर एट एनी हाइट एच पर था, ये किसी डेप्थ पर था फॉर्मूला, वो कहता है दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए सर, क्या हो जाए, सेम, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो जी अपॉन वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल जी वन वन माइनस एच बाय, एक्सपोनेंट अच्छा इसमें आप जीएम अपॉन में आर क्यूब वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा सर, अब अपने हिसाब से जैसे आपको सोल्व करना है आप वैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको करके बताना आंसर क्या आएगा, चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो अपना दूसरे वाला फॉर्मूला है आपके पास वो भी लगा सकते हो आप, जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला, फिर भी वही बात आएगी, सेम ऐसा करो ट्राई, बताओ मेरे को एच की वैल्यू आर की टर्म्स में कितनी आ रही है, या ऐसे सुनो और अच्छे से कर लो, फिर लास्ट में तुम्हें मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े, तो समझो यहां पर एच लिख दो और यहां पर क्या लिख दो, डी लिख दो, ताकि तुम्हें पता लग जाए आंसर, ये एच है और यहाँ क्या है, क्योंकि डेप्थ के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी, लो अब लो एच और डी के बीच में रिलेशन निकाल दो फटाफट, जब किसी एच हाइट पे गया तो फॉर्मूले में एच लिख दिया, और जब नीचे गया तो डेप्थ पे गया हूं तो नीचे वाले फॉर्मूले में एच की जगह क्या लिखा मैंने, डी, दोनों इक्वल नहीं है, अभी वो चेक करना है इक्वल है या नहीं है, तुमने अपने आप बताओ एच और डी के बीच में क्या रिलेशन है फटाफट, किसकी क्लास हो गई, चलो बढ़िया, जल्दी जल्दी देखो फॉर्मूला लिखा हुआ तुम्हारे सामने, किसी का नहीं आ रहा आंसर, अरे क्रॉस मल्टी, पहले अंदर एलसीएम लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड मतलब स्कूल के लेवल के लिए, शॉर्ट ट्रिक तो इसकी भी है बट शॉर्ट ट्रिक से अब काम नहीं चलेगा, जेई में चल जाता था, इससे नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, सर एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस डी। अंडर रूट माइनस डी, और कैसे किया सोल्व पहले तो सबको बताओ,
सर पहले अंदर एलसीएम ले लिया, आगे आर प्लस एच अपॉन आर इज ये आया इक्वल्स टू, वन अपॉन में आर प्लस एच अपॉन में आर का स्क्वायर, राइट। सर मैंने 1 नहीं लिया ऊपर, वन तो लेना पड़ेगा ना, ये जी से जब जी कटा है तो ऊपर वन, -2 हो जाएगा ना ऊपर ले जाएंगे तो किसको? सर जो हाँ वो भी सर कर सकते हो, वो भी कर सकते हो बिल्कुल। तुमने ऐसे कर दिया शायद, फिर यस बाइनोमियल सर एक्सपेंड मत कर देना क्योंकि फिर वो फॉर्मूला उसका बन जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस का। तुमने ऐसे किया है यस सर ऐसे, यस तो फिर अब क्या करोगे? फिर -2 का स्क्वायर खोलोगे? आता तुम्हें खोलना? नो सर फिर एक्स प्लस एन वाला फॉर्मूला लगता है इसमें, हाँ बिल्कुल, कौन से वाला? एक्स प्लस एन वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन कईयों को नहीं आता होगा वो। फिर उससे क्या करोगे, उसकी जगह क्या करोगे? अगर यहां से करना चाहो तो कैसे करोगे, मेरे को ये बताओ। चलो पहले पहले इसको सोल्व करो, इसके एलसीएम को सोल्व करो फटाफट, फिर बताओ मुझे क्या होगा। और जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो मेरे को व्हाट्सएप नहीं करेगा, मेरे को यहां पर पूछो। क्या बोल रहे हैं? चलो करो 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 करो। अरे भाई सोल्व कर दो यार फटाफट। क्या करोगे? वन अपॉन में आर प्लस एच बाय आर का आर होल स्क्वायर वन माइनस आर माइनस डी बाय। जी अपॉन आर तो अब इसको कैसे सोल्व करें बताओ, अगर तुम फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते। अभी वो फॉर्मूला तो बच्चे से पूछेंगे ही हम, बाकी बढ़िया। आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन में आर। क्या ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? यस सर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगी सर, वो भी बताएंगे। पहले यहां से अगर तुमसे सोल्व होता तो करके बताना, अब सोल्व करके ट्राई करो, क्या हो पाएगा सोल्व, एक बार ट्राई करो फिर देखेंगे। और साथ साथ अगर जिसको इसमें दिक्कत आ रही है वो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है जो हमने पहले बताया था भाई, एट एच हाइट पर कितना होती है जी की वैल्यू, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, और डेप्थ डी पर कितनी हो जाती है, जी एम इंटू वो जो अभी निकाला था आर माइनस एच, आर माइनस डी लिख दो। अपॉन में आर का क्यूब, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसमें भी वही चीज होगी बच्चे, फिर जीएम से जीएम तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और फिर तुम इसी पोजीशन पे पहुंचोगे। करो ट्राई, देखते हैं कौन करता है इसको ट्राई, फटाफट करो। थोड़ा सा लंबा लगेगा तुम्हें बट इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, पहले यहां पक करो। और जो वो फॉर्मूले वाला बच्चा बोल रहा था उससे हो गया क्या आपका बच्चे? तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब करो इससे ट्राई। खाली नहीं बैठेगा कोई भी बच्चा, फिर से मेरे को सर इस क्वेश्चन में बता देंगे बच्चे, बता देंगे बता देंगे। देखो न्यूमेरिकल में तुम ट्रिक्स के लिए काम कर सकते हो, लेकिन ट्रिक की बात बाद में करेंगे, पहले यहां पर बताओ। अभी बच्चे ने एक सेम ऐसा फॉर्मूला पूछा है, एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जिसमें हम डेप्थ डी पर चले जाते हैं लेकिन 1/4 टाइम्स हो जाती है हाइट, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी, पहले इसको करो। नहीं करोगे? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई तो करो एक बारी करने का। सर अच्छा आर जिसको, प्लस हाँ बोलो बोलो। अगर जिसको ये भी दिक्कत रहती है ना उसको और छोटा तरीका बताऊं, जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हो ना तो ऑप्शन की वैल्यू पुट कर दिया करो। यहां पर दे रखा है ना एच किसके इक्वल है,
पहले ऑप्शन में बी डी के, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देख लो एच किसके इक्वल डी। अगर राइट हैंड साइड में ये पुट करो और लेफ्ट हैंड साइड में भी ये पुट करो, अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है ठीक है। ऐसे किसको पुट कर सकते हो सर? सेकंड ऑप्शन को। ऐसे किसको पुट कर सकते हो सर? थर्ड ऑप्शन को। करके ट्राई करना है, एक बार ट्राई करो। चलो यहां पर पहले तुम एच किसके इक्वल पुट करो डी की वैल्यू, तो मेरे को बताओ अगर एच डी के इक्वल रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा और राइट हैंड साइड कितना आएगा, फटाफट बताओ। और पहले इस बच्चे का भी देखते हैं फिर। अब तो लेफ्ट हैंड साइड आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर, और तो राइट हैंड साइड तो अच्छा ही नहीं। ठीक राइट हैंड साइड डी तो है ना। चलो फिर तुमने डी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आया, क्या सेम आया दोनों की वैल्यू? नो सर, नहीं आई सर सेम। अब सेम नहीं आई तो फिर पहला ऑप्शन नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है हमें। तो सेकंड ऑप्शन पुट करो। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा सर? एच किसके इक्वल हो? टू टू डी डी के करो, किसी में भी पुट कर दो, ये पहली फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेट पुट कर दो। सर होगी इसकी डेरिवेशन सर आ गई, बताओ क्या आया। एक्स प्लस एन वाले फॉर्मूले से। सर वो तो ठीक है तुम्हारी बात में, लेकिन ऐसे भी करके बताओ तुम्हारी एक्स प्लस एन वाले फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो तुम? बोलो बोलो, टू डी शायद नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, वो बच्चा की जो बोल रहा है एक्स प्लस एन कौन से फॉर्मूले वाली बात कर रहे हो बच्चे, बताओ कहाँ गया बच्चा वो? बोलो बच्चे कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे थे, किसने बोला था एक्स प्लस एन? सर परविंदर परविंदर लेफ्ट हो गई, बताओ। कोई बात नहीं, जब आए तो बताना। एच की वैल्यू 2D पुट करी तुमने सबने, हाँ या ना? बोलो कर दी, तो ने। पुट यस करो आर स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या पुट करेगी? सर प्लस टू डी का स्क्वायर, 2D का डी का स्क्वायर। स्क्वायर। अब तुमको ट्राई क्या करना चाहिए था, यहाँ पर डी की वैल्यू एच बाई टू पुट कर देते तो ज्यादा आसान ना बन जाता वो, बट कोई बात नहीं। अगर तुमने अभी ये कर दिया तो अब इसको पूरा खोलना पड़ेगा तुम्हें, राइट? यस हाँ सर। पूरा तो खोलना पड़ेगा। अब कैसे करोगे सर? और थोड़ा सा सोचो, और थोड़ा सा सोचो सर। अगर यहाँ पर एच अगर 2D के इक्वल है तो डी किसके इक्वल है? एच बाई टू एच बाय के, तो टू यहाँ पर एच बाई टू पुट कर दो, आर माइनस एच बाई टू बाय, आर समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से भी यस कर सकते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2R माइनस एच बाय आर। सर आर अजीब सा लग रहा है सर, आ तो नहीं रहा सर। R कॉमन लेके देखते हैं सर, कोई बात नहीं, जब तक नहीं आएगा हम तक कर लेंगे। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एच इज इक्वल टू डी बाय टू, डी वाई टू टू करके देखो तो D क्या हो जाएगा 2H, तो R एच माइनस 2H बाय R। क्या लगता है सर क्या होना चाहिए फिर आंसर? एक्स माइनस एन वाला जो वो फॉर्मूला बच्चा बोल रहा था वो बताएगा एक बार मेरे को, कौन सा फॉर्मूले की याद दिला रहा था? परमिंदर, यस सर। परमिंदर बताओ कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे थे आप बच्चे? सर सॉरी वो एक्स प्लस एन नहीं सर, 1 + x की पावर एन वाला था। हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, ये वाली, जी वो भी 2n की है, n x वाले की। सर, एक्स की पावर एन। हाँ तो वो आप बाइनोमियल एक्सटेंड करते थे तो तुम ये फॉर्मूला आ जाता था तुम्हारा, फिर ये ऊपर चला जाता था तो कुछ ऐसा हो जाता था, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन, जी इंटू में 1 - 2h बाय आर का होल, ऐसा कुछ। बोलो बोलो यस बोलो, हाँ यस बोलो बोलो, फॉर्मूला बोलो क्या होता था जब इसको ऊपर ले जाते थे तो? 1 + वन माइनस n इनटू n - 1/2 × x² हाँ दोबारा बोलो एक बारी, फिर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बताऊंगा। बताओ 1 - 1 सॉरी 1 + nx + n × n - 1/2 × x² फैक्टोरियल लगाना मत भूलना, ठीक है? सर, फिर आगे ऐसे ही चलता रहता है ये ये फॉर्मूला। बाइनोमियल एक्सपेंशन है बच्चे, जब हमने किया था ना इसको, जब हमने एच को बहुत छोटा छोटा माना था आर के मुकाबले, तब हम ये फॉर्मूला लगाते थे ज्यादातर, याद है?
और यहाँ पर अब पावर प्लस में आ जाएगा जब भी ये वैल्यू, जब लेकिन हमारी जो ये पावर है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी बच्चे। तो तुम अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो ना, तो जी इंटू में एन की जगह यहाँ पर हमारे क्या है, टू की टू ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हमने एक छोटा फॉर्मूला ड्राइव भी किया था इसका, अगर किसी को याद हो तो, 2h upon r माइनस 2h upon में r। लेकिन जब ये फॉर्म मैं बताता हूँ इसकी लिमिटेशन, अगर तुम इससे करना चाहो 1 माइनस 2h by r, और इसको क्या लिखोगे फिर से, g into 1 माइनस d by r। ठीक है, यही पुट किया था, याद है। अब लेकिन यहां पर अगर तुम बात करोगे, एक सेकेंड रुकना, जब आप यहाँ पर करते थे g डैश इंटू में 1 माइनस 1 प्लस में h by r का होल स्क्वायर जब करते थे, अब बी से तो जी तुम काट दोगे, वन से वन भी काट दोगे, लेकिन हर बार उसके बताता है यहाँ पर आर की जगह आर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट रहा जाएगा, एच की वैल्यू टू एच डी के इक्वल आ रहा है, तो एच की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डी बाय जी टू, ऑप्शन नंबर इस हिसाब से तो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता इससे करो, क्यों करोगे, क्योंकि जब भी ये फॉर्मूला लिखा था, याद है क्या ये वाला फॉर्मूला जब मैंने लिखा था, तो मैंने एक चीज बोली थी साथ, किसी को याद हो तो, मैंने बोला था ये फॉर्मूला कब लगेगा, आंसर आ गया तुम्हारा इससे, देखो h इज इक्वल टू d बाई टू, तुम ये फॉर्मूला पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये फॉर्मूला कब यूज करना था तुमको, किसी को भी याद है, नहीं बच्चे हमने याद करो, हाइट के दो तीन फॉर्मूले पढ़े थे, एक हमने ये पढ़ा था, फिर हमने एक ये पढ़ा था, फिर हमने ये भी पढ़ा था, याद है? Yes, sir. तो ये वाला, ये तो हर जगह वैलिड थे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड था जब h बहुत 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 क्या हो, कम हो किससे, r से, तब का ये फॉर्मूला था, समझ में आ रही है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, जैसे उस बच्चे ने बोला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 और डिवाइड बाय में 2 का, बच्चे फैक्टोरियल भी होता है याद रखना परमिंदर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं होता, 2 का क्या भी होता है, फैक्टोरियल। बट ये फॉर्मूला तब होता है यूज जब हमारी h की वैल्यू बहुत छोटी होती है किससे, r से। यहां पर तुम कंसीडर कर रहे हो, तुम्हारा आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर गलती से उसने बोल दिया ना बच्चे कि यहाँ पर कि ये assumption मत मानो कि h छोटा है r से, तब तुमको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे अभी कैलकुलेशन कर रहे थे, याद है क्या ये वाली ये जो हमने लिखा है, ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर r का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर r माइनस डी इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया साफ साफ कि भाई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम मान के चल रहे हो अजम्पशन, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है, तुम यहाँ पर अजम्पशन मान के चल पड़ रहे हो कि क्या मेरी जो h है वो बहुत बहुत कम है, किसके मुकाबले बच्चे, रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले, इसलिए तुमने हाइट के लिए जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या लिखा, g इंटू वन माइनस टू एच बाय, और तुमने डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा, g इंटू, वो तो हमेशा वही रहता है, वन माइनस डी बाय आर, जिससे g से तो g कट गया और वन से वन कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, d बाय टू, d बाय टू। लेकिन ये तभी होगा जब h किसके कंपैरिजन में कम हो, रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि इस ऑप्शन में हमें उसी हिसाब से आंसर दे रखे, तो यहाँ पर तो काम चल गया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये अजम्पशन नहीं लेनी, कौन सी अजम्पशन, कि h जो है वो छोटा नहीं है, तब तुमको बच्चे हाइट का फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, जी डिवाइडेड बाय वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, और उधर डेप्थ का क्या लगाना पड़ेगा सर, जी इंटू वन माइनस डी बाय आर, तो यहाँ से जी जी से कटेगा, और फिर इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है, चाहे आर कॉमन निकाल लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन इसको फिर पूरा सोल्व करना
पड़ेगा आपको। क्लियर है सबको? यस और नो? सर। लेकिन यहाँ पर अजम्पशन से काम हो रहा है, यही शॉर्ट ट्रिक थी कि भाई यहाँ पे तो अजम्पशन से काम हो रहा है उस बच्चे ने जैसे बोला है, लेकिन हर जगह अजम्पशन से काम नहीं होगा। वहां पर गिवन होगा आपको कई बार कि भाई वैसे तुम्हारे लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे जो स्कूल लेवल का एग्जाम होता है, बट फिर भी अगर आ जाए तो तुमको ध्यान रखना है। अगर उसने साफ साफ ये बोल दिया कि आर और एच आपस में छोटे बड़े, मतलब एच जो है वो छोटा नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला लगाना बच्चे। चले आगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले इसमें, नो सर, कुछ भी किसी ने पूछना है। नो सर, चलो फिर बाकी सब नो सर, सर। चलो, ये तो बत करवा रखा है बहुत बार, पिछली बार भी बता दिया था। क्या आएगा सिक्स का आंसर? बताओ सिक्स का आंसर। ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑप्शन सी, सेकंड का कैपलर्स लो हमें हमेशा किसके बारे में बता रहा होता सर? कंजर्वेशन। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अभी ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की अभी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि इसको फिर हमने पूरा अभी थर्मो में हम करवाएंगे ही, तब आपको करवाएंगे इसके बारे में, ठीक है? हालांकि इसकी पूरी टेबल होती है, मैं आपको पहले भी बताई थी, वो टेबल मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ पाएंगे कि वो क्या होती है। क्लियर है सबको? तो आज का दूसरा होमवर्क, पहले तुम अगर तुम ये समझ आए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, फिर हम कल ही आपको बता देते हैं। मेरे को तो टेबल बनाने में ये नहीं लगता टाइम, देखो मैंने 2 मिनट लगने हैं। मोनो डाया पोली मेरे को लिख देना यहाँ पर, 3, यहाँ पर लिख देना 5, यहाँ पर लिख देना 7, 5 एंड 7, है ना? ये वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसकी कभी कभी क्या भी हो जाती है वैल्यू, 5 और 7 इसकी, इसकी 6 और 8, और ये तो हमेशा 3 रहता है। इन पे भी टेम्परेचर का डिपेंडेंस रहती है, इन पे भी क्या रहती है, टेम्परेचर की डिपेंडेंस। टेम्परेचर अगर 73 से कम हो जाए कैलविन से, तब क्या होगा, 3000 कैलविन से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, तब इनकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, तो ये तो साफ साफ पता लग जाएगा पोली में कितनी होगी नॉन लीनियर के लिए। ये टेबल बनानी है मैंने तो कल, लेकिन ये तो मैं आज बना रहा हूँ, ये कल भी बता दूंगा। लेकिन तुमको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा क्या, कि क्या होती है, किसके बारे में पढ़ के आओगे? डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे मैंने में। तो ये जो टेबल आज बनाई है ना बच्चे, मैं कल भी यही टेबल बनाऊंगा, लेकिन कल तुम समझ पाओगे अगर तुम पढ़ के आओगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो दो होमवर्क दिए हैं, पहला होमवर्क क्या है सबसे पहले, याद है किसी को? बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पर क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, जब वो दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड। डिवाइड दूसरा क्या है आज, डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ फ्रीडम के फ्रीडम। बारे में पढ़ के आओ। नहीं समझ में आता तो कल बताएंगे ही हम, लेकिन अगर करके आओ तुम, देखो तुमने स्कूल में तो अटेम्प्ट किया ही हुआ है, कितना होता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन को डाइन में बदलना है, आता है क्या सबको? यस सर, सबको आता है, वेरी गुड। यस सर, किसी को यस सर। पूछना है तो शर्माओ मत, पूछ लो। कोई बच्चा पूछना चाहता है तो वो हैंड रेस कर दो, तभी कराएंगे ये क्वेश्चन, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। नो सर, चलें फिर आगे। यस सर, और में एक क्वेश्चन है, वो क्या है, अबाउट 10th क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी आता है। यू, यस सर, 9th क्वेश्चन का बी पार्ट बताओ, अगर किसी को उसमें डाउट है तो बताते हैं हम, नो सर, हो जाएगा बाकी सब। यस सर। डायमेंशनल एनालिसिस से करना है, किसी को कुछ पूछना है तो एक बार देख लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ 9th क्वेश्चन का बी पार्ट। उसमें क्या है, एक बॉडी है मास एम की, वो वी वेलोसिटी से जा रही है, कितने वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ड्राइव फिजिकल रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एम उसका मास है, वी उसकी क्या है, वो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी के बाद डायमेंशन बतानी है। तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला, वैसे तुम्हें पता है लेकिन अब तुम्हें डराइव करना है, तो तुम ये मानोगे कि वो मास पर भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो सर, तो अगर वो मास पर डिपेंड करती है तो मास क्या है, पार्टिकल मास पे कितनी पावर पे डिपेंड करती है, मैं मान लेता हूँ एम की पावर ए ए, ए
वेलोसिटी की पावर क्या मान लेता था, बी, बी और काइनेटिक, फिर इसको जब हटाता था तो एक कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट से मेरे को लेना देना कुछ नहीं है, बट मैं लिख देता था कांस्टेंट को, अब साइड में कर दो। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन याद होनी चाहिए, जो एनर्जी की होती है तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, क्या थी, एम एल टू स्क्वेयर टी माइनस टू यस क्लियर है। के सर की डायमेंशन तो होती नहीं, कुछ हटा दो, एम की डायमेंशन एम है, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस, एलटी -1 और इसकी पावर बी। अब सेम कोफिशिएंट वालों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, पहले तो सेम कोफिशिएंट लाओ, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2, इधर एम की पावर ए, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगी, एल की पावर बी और टी की पावर -2 -b। अब इक्वेट कर दो, यहां पर एम की पावर कितनी है 1, इधर एम की पावर है ए, तो ए तो किसके इक्वल हो गया, 1 के 1 के 1, यहाँ पर एल की पावर 2 है, यहाँ पर बी है, तो बी किसके इक्वल हो गया, 2 इक्वल हो गया बी। क्लियर है सबको, यहाँ पर टी की पावर -2, यहाँ से भी बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब ए 1 आ रहा है, बी 2 आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक तो कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई बाय एम की पावर ए थी, तो ए की जगह आया 1, और वी की पावर कितनी थी, बी, तो वी की जगह, बी की जगह क्या आया, टू यस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर, और वो कांस्टेंट अभी डायमेंशन से नहीं बता पाते, तो तुम सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 1/2 वो कांस्टेंट वी नो, ये हमें पता है, अगर तुम पेपर में इतना लिखाओगे तो काम खत्म है तुम्हारा, क्योंकि डायमेंशन कभी कांस्टेंट के बारे में नहीं बता रहा, तो कांस्टेंट की जगह लिखना है 1/2, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 mv². क्लियर है सबको, यस और नो, यस सर, कुछ भी पूछना है तो पहले पूछो, चलो फिर बढ़िया, ये तो कर लोगे, 11th में आ जाओ, दोनों सेकंड पार्ट तो मैं बता ही चुका हूँ, 11th का इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अभी पढ़ा है, शुरू यस सर में ही बता दिया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लो कौन बता पाएगा, ये तो कर लोगे, हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, याद है क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन सबको, क्या था लिमिटिंग यस फ्रिक्शन, सर पहले तो मेरे को डेफिनेशन बताओ, सर इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट अ वर्ज टू मूव टू प्ले सरफेस ऑफ अनदर बॉडी वर्ज बोले तो, वर्ज का मतलब जस्ट सरफेस मतलब सरफेस, नहीं वर्ज का मतलब होता है कि जस्ट अबाउट टू, मतलब सर ये लिमिटिंग फोर्स तब फ्रिक्शन तब लगता है, ये तो स्टैटिक का कैसा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक की कैसी वैल्यू मैक्सिमम होती वैल्यू है, मैक्सिमम मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक, और ये कब लगता है सर, जब देखो जब सर स्टैटिक, बॉडी जस्ट मूव होने लगती है हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन तो बॉडी जब रेस्ट पर होती है तब लगता ही है, लेकिन लिमिटिंग कब लगता है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू क्या होती है, मूव जस्ट अबाउट टू मूव, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, वेयर म्यू एंड इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन। अब तुम घर जाके इसको देखना कि इसकी वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करती है, ठीक है, सरफेस की बात तो होगी ही होगी, और साथ में एन पर तो डिपेंड करती है, मैंने वो रबिंग वाले हैंड से बताया भी था आपको, याद है वो था, पढ़ना इसको, अब मैंने सारे हिंट तो दे ही दिए तुम्हें, और जो क्वेश्चन करने के थे वो कर भी लिए, 12th क्वेश्चन में, अब एक बार तुम्हें मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, अभी तुम ज्यादा नहीं बता पाओगे, लेकिन एक बार खुद से देखो, जो जो क्वेश्चन मैं खुद से कह रहा हूं तो एक बार ट्राई करके आना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन तुम ट्राई नहीं करके आओगे तो तुम्हें ही समझ नहीं आएगा, अभी तक मैंने कितने होमवर्क दिए हैं तुम्हें, सिर्फ दो 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 है ना, कौन सा, एक तो सर सबसे पहले दोबारा बोल रहे, सिग्निफिकेंट संख्या में के रूट पढ़ने और दूसरा एडिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्या नहीं है है ना, और ये तीसरा लो, टॉर्क के बारे में पढ़ के आना, और किसके बारे में पढ़ के आओगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम 14
13 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं सिर्फ, 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, 3 क्वेश्चन भी ऐसे दिए हैं क्योंकि एक बार उसको पढ़ के आओगे तभी वो समझ में आएगा। टॉर्क में करने में कुछ नहीं है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, जो फोर्स और मोमेंटम में होता है लीनियर मोमेंटम में। टॉर्क क्या होती है सर, जैसे फोर्स डीपी बाई डीटी होती है, टॉर्क होता है डीएल बाय डीटी, ये रिलेशन होता है। इसको डराइव कैसे करना है उसके बारे में सोच के आओ थोड़ा, करने कुछ नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला पुट करेंगे सर, आई ओमेगा वहां से, सॉरी आई अल्फा वहां से भी कर सकते हैं, और टॉर्क का आर क्रॉस एफ वाले फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। यस सर, ठीक है, बट एक बार खुद से देख कर आना। अब आता 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन हमने वैसे पढ़ना था, पर 14th तो पढ़ लिया शायद हमने, हाँ कर लिया, कर लिया ये तो आराम से। बताओ इसका क्वेश्चन क्या आएगा इसमें आंसर, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वेरी गुड, नॉर्मल, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो कर पाओगे इसकी डायमेंशन और यूनिट्स तो लिख दोगे आप आराम से। अब स्ट्रेस की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की होती है, यूनिट तो फोर्स अपॉन एरिया वाला, फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती न्यूटन, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेस का यंग्स मॉडुलस की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होती है, डायमेंशन भी वही होगी सर सिंपल जो स्ट्रेस की, सबको यस और नो, ठीक है सर। फिर भी किसी को कोई डाउट है 14th क्वेश्चन में तो पूछ ले, 15th में आ जाओ, 15th में क्या है, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बताया गया तुम सबको, यस सर, क्या था बताओ, क्या था जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, जब बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है सी के साथ, तो जो ए और बी होती है वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, कि भाई अगर दो दो बॉडीज ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, या ऐसा समझ लो ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी भी आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, सिंपल से, ठीक। 16th क्वेश्चन, अब तुम्हें वही बात है क्योंकि हम थर्मो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कल हो सकता है कि थर्मो स्टार्ट कर दें या हम SHM कर दें, पहले तो मुझे ये बताओ क्या करना है, SHM करना होगा क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है, SHM करना चाहते हो पक्का, चलो वेव्स वाला, आज क्या डेट है, 7वां पेपर कब है, 26 से, फिजिक्स का कब है, सर फिजिक्स का 4 को है, यस सर, सर हमें मेन डेरिवेशंस करवा दो, अगर नहीं होगा सर पूरा कंप्लीट तब तक, चलो यही देखते हैं, है ना, देखते हैं बच्चे कौन सा चैप्टर है, जो भी चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मैं देखता हूँ आज जो चैप्टर जल्दी हो पाएगा आपके बोर्ड्स के हिसाब से भी और जेई के हिसाब से भी वही स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो दो ऑप्शन जो मेरे को दे रहे हो वो ये है, कौन सा, या तो SHM या वो ऑसिलेशन और वेव उसी के अंदर, चलो कर लेंगे कोई बात नहीं, तुम स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहे हो, मतलब थर्मो ना छेड़ू मैं अभी, यही कहना चाह रहे हो, ठीक है, थर्मो नहीं छेड़नी, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आना, फिर ये क्वेश्चन तो हमको करना पड़ेगा क्योंकि एक बार तो क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देख के आना, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, करके आओगे ट्राई, नहीं होता पूछना मेरे से, फिर नहीं होता तो मेरे से पूछना, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड हो रही है सर, है ना। एक हिंट के लिए मैं एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको, ये भी मिलेगा आपको बुक्स में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 KBT, KB क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है इसका, ये तो सिर्फ एक हिंट है, ट्राई करके आना। और 17 क्वेश्चन फिर से वही सर, 9th क्लास में बहुत बार पढ़ चुका है, इसकी डेरिवेशन करनी ग्राफिकल मेथड से, याद है सबको, क्लास में पढ़ते हो, क्लास की बुक में भी मिल जाएगी आपको ये डेरिवेशन, और इसका 17th का सेकंड पार्ट तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, और मैंने हिंट भी दे दिया था इसका, क्या है, नहीं मिलेगा सर, हाँ क्या था,
ए डॉट डॉट बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस कॉस थीटा। थीटा यहां से ए डॉट बी निकालना, निकाल लोगे सब? बताओ यस सर। क्या ए डॉट बी निकालना? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन अब एक बार ट्राई करना, और जो प्रॉब्लम हो तो सिर्फ वही देखेंगे। अब हमने 17 क्वेश्चन तो पूरे पूरे देखे हैं, इन क्वेश्चंस में लास्ट वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा। अब ये वाले देखना, ये तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेगा, सारे बच्चे मेरे को आज भेजेंगे 27 से लेकर कौन सा क्वेश्चन तक, 4 नंबर वाले हैं, 24th भी 3 नंबर वाले हैं, 3 वाले भी तो जरूरी है। यस सर। तो सबसे पहले आज तो मैं सिर्फ तुम्हें यही 3 होमवर्क दे रहा हूं, 24 से लेकर 27 तक क्वेश्चन कौन से सर? 24 से 27 तक सर भी करने हैं। तुम्हारी कल भी तो छुट्टी है ना, हमारी कल क्लास नहीं है ना? रुको, नो सर। तो 3 नंबर वाले भी करके आओ, हमने 17 तक कर लिया ना, तो तुम 18 से लेकर कहां तक करके आओगे बच्चे? अब 27 तक। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चे? मार्क्स तो इन्हीं के ज्यादा है। अभी तो जो क्वेश्चन थे वो कितने नंबर के थे, 1 नंबर के या 2 नंबर? तो एक बार ट्राई करके आना इन क्वेश्चंस को, ऐसे नहीं कि रफ कॉपी में लिख दोगे, वो जेई में करते थे सर, एज इट इज जैसे पेपर में अटेम्प्ट करते हो ना वैसे लिख के मुझे देना, तभी हम चेक कर पाएंगे ना कि तुम क्या गलती करते हो नंबरों में, तभी तुम्हें नंबर ज्यादा मिलेंगे या कम। तो मेरे पास जिस बच्चे का आएगा मैं उस बच्चे का चेक करके दूंगा, उसको क्लास में बता दूंगा या व्हाट्सएप पर बता दूंगा, लेकिन आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ? 18 से 27 तक। इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं है, है ना? कल हमारी क्लास नहीं, अगर कल क्लास होती तो मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन देता। तुम्हारे पास कल का भी पूरा दिन है और परसों का भी आधा दिन है, तो 1.5 घंटे 2-8 दिन में तो इतने क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, बोर्ड में भी तो करोगे, घंटे में करोगे उसमें तो करो, ट्राई करना। जो जो क्वेश्चन नहीं आए वो प्रॉब्लम में ले आना, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। मैं चैप्टर ही बता दूंगा कि कौन से चैप्टर के होंगे, क्वेश्चन भी हम देख आएंगे। अभी तक जितना भी किया उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। आपका देख लो अच्छे से होमवर्क, दोबारा बोलो क्या है होमवर्क? 18 से 27 तक क्वेश्चन के, कहां से 20 कहां से? लेकिन सर 18 से 27 तक। हाँ, 18 से 27 गिनती के 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए, समझ में आ रहा है? सिर्फ नो क्वेश्चन है बच्चे, नो क्वेश्चन कर लेना 4 के आसपास आज कर देना, 5 के आसपास कल कर देना, काम खत्म। यस सर। अब जिसने करना होगा वो तो ये कर लेगा, जेई में तो तुम बहाने लगा देते थे, है ना? स्कूल का काम है, अब स्कूल का काम है तो स्कूल वालों को ये तो नहीं कह सकते ना जेई का पेपर है। यस सर। है ना, तो स्कूल का तो करना ही पड़ेगा, करो ट्राई। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं किसने किसना किया। ओके बच्चे, बाय बाय। Thank you.